हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत लोग काफी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि पेड सेंसर चाहिए एंड्रॉइड के लिए जिसमें हेडशॉट लगे बहुत ही अच्छे वाले। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके एक पेड सेंसर ढूंढी है जो अच्छी चल रही है बहुत। ये वाली सेंसर मैंने खुद ट्राई की और मेरे हेडशॉट काफी अच्छे लग रहे हैं इससे। और जिस प्लेयर की ये पेड सेंसर है उसका नाम है एक्सप्लोड FF। आप में से काफी लोग उसको जानते होंगे, वो काफी फेमस यूट्यूबर है। तो आज हम उसकी पेड सेंसर ट्राई करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी सेटिंग आपको करनी है और एंड में आपको लिंक भी दे दूंगा पेड सेंसर की, अगर आपको खुद भी यूज करनी है तो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने फोन के डेवलपर ऑप्शंस में और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और ढूंढना है लॉग बफर साइज। और लॉग बफर साइज की जो वैल्यू है उसको आपको कर देना है 16 MB, मतलब 16 MB। उसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करना है और आपको विंडो एनिमेशन के ऑप्शन को ढूंढना है और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू जो है उसको एनिमेशन ऑफ कर देना है। यहाँ पे तीन एनिमेशन हो गए, उसको तीनों को ऑफ कर देना है आपको। और अगर आपको उसके बाद उसके लुक पसंद नहीं आता तो आप 0.5 ही रख सकते हो, बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए और बेस्ट हेडशॉट मानने हैं तो इसको ऑफ करना ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके फोर्स 4X MS AA को ढूंढना है और उसको आपको ऑन कर देना है। और अब हम DPI की बात कर लेते हैं। तो आपको मैं तीन ऑप्शंस देने वाला हूँ DPI के लिए अलग अलग सिनेरियो के लिए। तो सबसे पहले आप लोग 1v1 खेल रहे हो अनलिमिटेड कस्टम में तो आपको 695 DPI रखनी है। उसके बाद अगर आप 4v4 खेल रहे हो अनलिमिटेड कस्टम तो उसके लिए थोड़ी सी और DPI हाई चाहिए, तो उसके लिए आपको 702 DPI रखनी है। और लास्टली अगर आप रैंक मैच खेल रहे हो तो उसमें इतनी DPI की जरूरत नहीं होती, इतनी मूवमेंट की जरूरत नहीं होती, तो आपको उसके लिए 595 DPI रखनी है। और जो लास्ट सेटिंग आपको करनी है उसके लिए आपको जाना है एडिशनल ऑप्शन में, यहाँ पे आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पे आपको ऊपर फिजिकल का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले टच एंड होल्ड डिले को शॉर्ट कर देना है। उसके बाद जो डिवेल टाइमिंग है उसको ऑन कर देना है और उसके बाद डिले बिफोर क्लिक को एकदम शॉर्ट कर देना है लेफ्ट साइड पे। और लास्टली यहाँ पे लार्ज माउस पॉइंटर का ऑप्शन होगा, उसको ऑन कर देना है। तो ये मैंने दिखा दिया आपको एक्सप्लोड की पेड सेंसी। और अगर आपको डिटेल में और सेंसी चाहिए तो इसके लिए मेरे पास फोटोज भी इसके, और अगर आपको ये फोटोज डाउनलोड करने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। और मेरे इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके डाउनलोड इजिली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।